हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। और आई होप कि तुम फर्स्ट और सेकंड वाला अच्छे से देख के आए होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा बेसिक एकदम स्ट्रांग होगा और आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम मस्त होता जाएगा। ठीक है, देखो अब मैंने पहले से कोई लिख के रख दिया है कि हम लोग ने फर्स्ट सेकंड में क्या क्या कवर किया है इन शॉर्ट, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े हो, तुमको याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ मतलब सर्कमफेरेंस के अलोंग कोई भी मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होता है। और सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें दो फोर्स होते हैं, एक एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर, एक रियल होता है दूसरा सूडो होता है। इसके एग्जांपल्स भी वीडियो में कवर किए मैंने, अगर वीडियो नहीं देखे हो डायरेक्ट थर्ड वाले में तुमको पता चला कि हाँ सर ने लेक्चर दिया है थर्ड, तो फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का लिंक इस वाले वीडियो में है और तुम अच्छे से जाके वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके तुम उसको देख सकते हो। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पहले हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या यूनिट कैसे फाइंड करना, उसकी वैल्यूज क्या होती, ये सब पढ़ा था। ओके, इसके बाद में कैपलर्स लॉ पढ़ा था, कैपलर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, और कैपलर्स लॉ का स्टेटमेंट तुमको बाय हार्ट हो जाना चाहिए, राइट। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, राइट। और उसका अल्टरनेट नेम भी याद होना चाहिए क्योंकि तुमको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछता है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं मतलब अब इसके आगे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, और ये चैप्टर तुम्हारा एक या दो लेक्चर हार्डली थियरी के लिए, और एक लेक्चर मतलब तीन क्लास और जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो मेरे चैनल सिंपलेस्ट फिजिक्स में तुम्हारा स्वागत है, और हम लोग करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन थर्ड लेक्चर, ग्रेविटेशन चैप्टर का तुम्हारे साइंस वन के। और मैं अजय सर, जानते हो फिर से इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे बहुत ही बड़ी चीज जो तुम पहले से नाम एटलीस्ट सुने हो, जी की वैल्यू, राइट। आजकल के बच्चे कुछ पता रहे चाहे नहीं पता रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू से 9.8 होती है ग्रेविटेशन में, ये पता रहता है, ठीक है। तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से, जी और जी एच, राइट। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ओके, देखो तुमने कहीं तो वीडियो देखा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा कि दो हैवी ऑब्जेक्ट्स, मैं क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को। दो हैवी ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर कर लेता हूं, एक ऑटो रिक्शा ले लो, राइट, ऑटो एंड ट्रक। ऑटो एंड ट्रक तो फिर ठीक है, चलो और छोटा डिफरेंस ज्यादा ऐसा रहे, एक साइकिल लेता हूं, एक ट्रक ले लेता हूं। इसको एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग वर्टिकली इसको नीचे छोड़ते हैं, मतलब फ्री फॉल कराते हैं, उस टाइम पे तुम देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट, हम लोग एयर रेजिस्टेंस मतलब जो हवा है हम कंसिडर कर रहे हैं कि वहां पे हवा नहीं है, उस कंसेप्ट के लिए कि साइकिल और ट्रक दोनों एक साथ जमीन पर आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे दोनों एक साथ आएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है तुम जानते हो, एक हैवी है और एक उसकी कंपैरिजन बहुत लाइट वेट है, लेकिन दोनों एक साथ नीचे क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये समझने के लिए तुमको पहले जी की वैल्यू समझनी पड़ेगी, जी क्या होता है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है और स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता है, ये सब सीखने के बाद तुमको लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो एक तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन चलना चाहिए जब तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, सो ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, तुम जानते हो हम जब अर्थ पर होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर होता है, तो अर्थ पर जब अर्थ सरफेस पर होता है वो ऑब्जेक्ट, फिर भी उसको एक हैवी फील होता है। अर्थ सरफेस पर होता है तो हैवी फील होता है, मतलब उसके ऊपर कोई एक ऐसा फोर्स अप्लाई होता है जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, जिसकी वजह से हमको अपना वेट फील होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है और वेट फील होता है। तो इस कंसेप्ट को समझो, तो जैसे मैं कंसिडर करता हूं ये अर्थ है
ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुम्हारे सामने जिसका मास है स्मॉल m, और ये जो सरफेस ऑफ नहीं अर्थ है, अर्थ का मास हम कंसीडर करते हैं कैपिटल m, राइट। अब समझो बात को, यहां पे ये जो वेट है यहां पर एक फोर्स एक्ट होता है, जैसे तुम अपने आप को समझ लो, हमको कोई ना कोई अपनी तरफ खींचता है, कैसे पता चलेगा, तुम कहीं भी थोड़ा हाइट पर जाते हो तो तुमको बहुत बैलेंस करना पड़ता है, हाइट पर जब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तुमको बैलेंस अच्छे से करना पड़ता है ताकि तुम नीचे ना गिर जाओ। अगर नीचे ना गिर जाओ मतलब टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ ना गिर जाओ, क्वेश्चन तो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब भी एक सरफेस पर है तो हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, कैसे पता चलता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब हमको कोई खींच रहा है, राइट, और हम उससे ऊपर जाने की कोशिश, मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि डाउनवर्ड जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर होता है, कोई कुछ भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट तुमको लेकर, कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो उस पर दो फोर्स अप्लाई करता है, दो फोर्स अप्लाई होता है। कौन कौन सा फोर्स होता है, देखो ये एरो जस्ट डिस्टेंस के लिए था, अब देखो कौन कौन सा फोर्स एक्ट होता है। एक तो होता है डाउनवर्ड फोर्स जिसको बोलता हूं मैं वेट, डाउनवर्ड फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वेट, और क्योंकि ये यूनिवर्स का ही दो ऑब्जेक्ट है, राइट, सेकेंड फोर्स कहां से आ रहा है, देखो क्योंकि ये यूनिवर्स के ही दो ऑब्जेक्ट है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और होल यूनिवर्स के लिए, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, होल यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इसको अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है, राइट। तो यहां पर एक और फोर्स हो गया जिसको मैं बोलूंगा, तो फर्स्ट फोर्स कौन सा था, वेट था, फर्स्ट था वेट, W इज इक्वल टू उसका वेट का फॉर्मूला तुम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, मास इनटू जी, जी फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, अर्थ की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसमें मास, हमारे मास को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वेट तुमको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस पे एक और फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो फोर्स हो गए, राइट। जैसे तुम बैठे हुए हो, ये वीडियो देख रहे हो और बैठे हो, ठीक है, मतलब बैठे हो मतलब स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, मतलब तुम तो बोलोगे हम बैठे हैं हमारे ऊपर कहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तुम बैठे हो स्टेबल हो। तो एक चीज याद रखो कि जब भी तुम स्टेबल हो किसी भी पोजिशन में तो वहां पर तुम्हारे ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मल्टीपल फोर्सेस, मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से बैलेंस हो गया। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट, जो छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है मैंने अर्थ सरफेस पर, ये ऑब्जेक्ट यहां पर स्टेबल है मेरे सिचुएशन में जो मैंने कंसिडर किया है। जब ये स्टेबल है मतलब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बैलेंस है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तुमको कैसे बताना है इसको, एक ऑब्जेक्ट है सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा हुआ है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका रेडियस के बराबर है, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है। अब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है, सिचुएटेड है, और साथ ही साथ इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो इसका वेट जो एक्ट करके रखती है, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो तुम पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जिसको एफ से डिनोट करेंगे हम लोग यहां पर, ओके। अब देखो ये दो फोर्स है, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सिंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ देर आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट gets balanced
क्रिएट्स बैलेंस। याद रखो कभी भी कोई बैलेंस फोर्स है मतलब बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे मैं रेस्ट लिखू तो भी गलत नहीं होगा, बॉडी रेस्ट में है, बैलेंस होता है। तो इस सिचुएशन में मैं एक कंडीशन लिख सकता हूं यहाँ पे, जिसमें मैं लिखूंगा वेट, एक फोर्स वेट है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है इक्वल है ना अपोजिट, राइट। तो वेट फोर्स हो गया एक, और दूसरा फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो देखो अब वेट के बाद वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एमजी, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तुम अच्छे से बता तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स याद करो, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो मैं लिखता हूं, एफ तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे, एफ यहां पर है, तो जी पहले ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लिख दूंगा, ओके। अब देखो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो हो गया, अब आता है मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ वन बॉडी, अर्थ इज ऑल्सो बॉडी एंड दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तुम स्टेटमेंट में मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से क्लियरली बोला था कि यहां पर हम लोग को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, मतलब अर्थ के सेंटर से, सरफेस से देखा तो जीरो डिस्टेंस है, लेकिन सेंटर से देखोगे तो यहां पर डिस्टेंस मिलता है। तो ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू आर, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ऐसा न्यूटन बाबा ने बताया था, राइट। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये, देखो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब यहां पर टर्म्स जो यूज किया ना उसको थोड़ा लिख देते हैं हम लोग। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, अब इसको लिख लो तुम, कंप्लीट करो, मैं सब कुछ लिख के नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ओके। आर, आर क्या है, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। ये हो गया इतना। अब जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी, एंड इसके साथ साथ बच्चों यहां पे एक और जी आया है, स्मॉल जी, राइट, स्मॉल जी। यहां पे स्मॉल जी को क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, कंप्लीट कर लेना इसको। तो मेरा जो कंसेप्ट था यहां पे, यहां तक हो चुका है, अभी तक जी का फॉर्मूला नहीं आया, कौन से जी का, ये वाले जी का, अभी तक फॉर्मूला नहीं आया, अभी आने वाला है। देखो ये देखो, मास स्मॉल एम है और ये स्मॉल एम है, कैंसिल कर दो। वेट में याद रखना, ये बॉडी का वेट ले रहे हैं, अर्थ का वेट नहीं ले रहे, बॉडी का वेट है इसलिए बॉडी का मास है, और इनटू जी जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है एक्सीलरेशन से वो। तो अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा स्मॉल जी। अब मैं स्मॉल जी का एक फॉर्मूला, एक फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, अच्छा देखो, स्मॉल जी इज इक्वल टू, बचा हुआ देखो, जी एम अपॉन आर, तो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ओके, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूं, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। ये देखो इंपॉर्टेंट मोस्ट फॉर्मूला। अब देखो अब इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है ये, सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार के मत बैठो, इसमें बहुत कुछ है इसमें। ये देखो सबसे पहले क्या है, इसमें समझने की कोशिश करो, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। कहां से आया मैंने बताया, दो बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहे थे बॉडी के ऊपर, एक वेट था दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स था, जब मैंने इक्वेट किया तो उनको इक्वल लिया, क्योंकि बैलेंस है, इक्विलिब्रियम रेस्ट में है, जब इक्वल लिया तो छोटा मास कैंसिल हो गया, सिर्फ बड़ा मास बचा, ओके। और यहाँ पे बची हुई चीजें मैंने लिख दिया। तो अब टर्म्स तुमको पता होना चाहिए, थरो हो जाना चाहिए इस टर्म्स के साथ में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इसका अर्थ का, ये डिस्टेंस भी है रेडियस भी है, याद रखो। अब यहां पे समझना क्या है, वो जी जो है ना कैपिटल जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो ये मैटर नहीं करता यहां पे। अच्छा
मास ऑफ, अब इसको जनरलाइज करता हूं, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ तुम्हारे साथ यही होने वाला है, जी का फॉर्मूला यही आने वाला है उस प्लेनेट के लिए। तो मैं इन पे किसी भी प्लेनेट के लिए ऐसे डिस्कस करता हूं। तो कोई भी प्लेनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है, उस प्लेनेट का कितना मास, कितना हैवी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स जितना ज्यादा, एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा, समझे बात? ओके। एंड इनवर्सली, अब देखो दो चीजें यहां पर, एक तो मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, लेकिन दूसरा क्या आ जाता है यहां पर कि अगर रेडियस ज्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, राइट? समझ सकते हो अब इस बात को तुम कि रेडियस ज्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। मतलब दो चीजें हैं, मास बढ़ेगा ठीक है, लेकिन साइज नहीं बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब कम से कम साइज में कम से कम गोला होना चाहिए और उसका मास ज्यादा से ज्यादा, तब उसकी ग्रेविटी ज्यादा रहने वाली। और इस टाइप के टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो आते हैं वो स्टार्स होते हैं, बेसिकली उसमें स्टार्स आ जाते हैं, वो लोग का मास कंपेरेटिवली साइज छोटा होता है लेकिन उसके अंदर मास की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब समझो, अब इसको और डिटेल में थोड़ा लिखता हूं यहां पर, पहले ये नोट कर लो अच्छे से, इसको पॉज करो और इसको लिख लो। ये डेरिवेशन टाइप में एक सिचुएशन क्रिएट किया मैंने, अभी देखो सिर्फ ये वाला जी फाइंड किया, ये वाला जी फाइंड नहीं किया है। ओके, तो यहां पर जाएंगे हम लोग, पहले तुम अच्छे से नोट कर लो, देखो। ओके, चलो आगे कराता हूं मैं। ओके, देखो क्या आया, तो वहां से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं मैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब समझ लो कि यहां पर जो स्मॉल एम था वो कैंसिल हो गया, कट गया, मतलब उसकी वैल्यू फिनिश। अब सिर्फ कैपिटल एम बचा है, मतलब मैं बता सकता हूं कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जो प्लैनेट का मास है उस मास के सामने उस ऑब्जेक्ट का मास कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ प्लैनेट का मास मैटर करता है कि एक्सीलरेशन कितना होगा। होगे ही होगे, प्लस सर ये एक्सीलरेशन है कि ग्रेविटी है, पहले ये क्लियर करो। ओके, एक्सीलरेशन है कि ग्रेविटी, वन बाय वन समझो, सब एक साथ समझने की कोशिश मत करो। ओके, ये देखो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें ये कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, मतलब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, मास कम होगा तो ग्रेविटी कम होगी, किसकी, प्लैनेट की। ओके, अब यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, अगर रेडियस इंक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी। उल्टा रिलेशन है यहाँ पे, इनवर्स रिलेशन है, अच्छे से याद रखना, एक का सीधा रिलेशन है दूसरे का उल्टा रिलेशन है, ये हर जगह होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी कम ग्रेविटी, जितना ज्यादा मास जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा उसका ग्रेविटी। ओके, ठीक है, अब इसके बाद मैं हाइट पर फाइंड करता हूं, एक पर्टिकुलर हाइट पर कितनी होगी ग्रेविटी उसकी बात करता हूं। तो ये दिमाग के अंदर आज के बाद सेट कर लो कि किसका ग्रेविटी ज्यादा होता, हो सकता है तुमको दो प्लैनेट दे दिया जाए, उसमें दोनों का मास का कंपैरिजन दिया जाए, दोनों का रेडियस का कंपैरिजन दिया जाए, उसमें तुमको पूछा जाएगा कि ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी, तो तुमको बताने आना चाहिए आंसर। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल है कि ग्रेविटी तो मास पे और रेडियस पे डिपेंड करती है, दोनों के रिलेशन का यूज करके हम लोग अच्छे से बता सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा हूं मैं, लेकिन आगे अभी थ्योरी समझ लो अच्छे से। देखो अभी हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट।
अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर नहीं हुआ, सरफेस से थोड़ा ऊपर हुआ, तो तुमने सिचुएशन देखा था पहले, सर्कल खराब बन रहा है। चलो जैसा भी होने ले लेते भाई। ये देखो ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, यहां नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर, सपोज एरोप्लेन है, राइट। ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया अर्थ सरफेस से, तो क्या ग्रेविटी के बाहर चला गया? नहीं, अभी ग्रेविटी के अंदर ही है। तो यहां पर हाइट h और ये यहां से यहां तक कितना होता है ये तो तुमको पता है, स्मॉल r, सॉरी कैपिटल r, रेडियस ऑफ द अर्थ। h क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बाकी सब टर्म्स वही रहने वाले हैं। तो h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो यहां पर भी वही सिचुएशन होने वाली, यहां पर भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, वेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और दूसरा फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट दिखाने की जरूरत नहीं, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बच्चों अभी ये अगर ऊपर चला गया ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी हाइट चेंज हो गई, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी में भी चेंजेस आए। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, ग्रेविटी हम पर कम एक्ट करती है, और एक समय ऐसा आता है कि हम ग्रेविटी से बाहर ही चले जाते हैं, फिर हमको लाने के लिए भी, ग्रेविटी के अंदर लाने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं इस डेरिवेशन में, जी एच फाइंड कर रहे हैं। तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर तो वेट हो गया अपना एम इंटू जी एच, जी स्मॉल जी नहीं रहेगा, सरफेस ऑफ अर्थ वाला जी नहीं है, थोड़ी वैल्यू कम हो गई है, इसीलिए जी एच ले रहे हैं हम लोग। मतलब इसका मतलब जी इंटू एच नहीं है, जी एच मतलब ग्रेविटी एट हाइट, ओके। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बोलो अच्छे से, स्मॉल जी मास वन, मास वन अर्थ का मास ले लो, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप देखो यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ये सरफेस पे था तब तक तो रेडियस के बराबर ही था, लेकिन उसके ऊपर चला गया। तो क्या चीज है हमारे पास, डिस्टेंस कितना, r प्लस h, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है, वन बाय वन, ओके। आप देखो मास मास यहां पे भी कैंसिल, और g की वैल्यू, g h की वैल्यू जो आएगी जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये देखो आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। अब दो फॉर्मूला मिल गया तुम्हारे पास, एक में h था, एक में h नहीं है। हाइट पर जाएगा तो h आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कुछ नंबर बढ़ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने वाली, कम होने वाली। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी, समझे। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे माइंड के अंदर सेट कर लो अच्छे से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब ये फॉर्मूले सेट कर लो, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, इसमें भी देखो स्मॉल एम नहीं आया, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट कितना हैवी उससे मतलब नहीं अपने को, किससे मतलब है, इस प्लैनेट का मास कितना है उससे मतलब है। ऑब्जेक्ट कितना, तुम एक पहाड़ भी ले लो तो भी कम पड़ जाएगा कुछ उसके सामने, अर्थ के सामने या किसी प्लैनेट के सामने, वो सब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए कि अर्थ के कंपैरिजन में या करना पड़ सकता है, क्लियर, ओके। देखो तो ये फॉर्मूले जस्ट याद रखो, दूसरी चीज रिलेशन याद रखो कि मास के साथ क्या रिलेशन है, हाइट के साथ क्या रिलेशन है, रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, ओके। अब इसमें और थोड़ी बात करूंगा मैं, अभी तो ये फॉर्मूला मैंने करा, अभी और थोड़ी बात करनी बाकी है, जस्ट नोट करो फटाफट। वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है। अब बोलोगे ये क्यों, एक्सीलरेशन है तो चेंज भी तो हो सकता है, नहीं चेंज होगा जब तक अर्थ को हम लोग रिप्लेस नहीं करके आ जाते, करके आओगे नहीं जाने दो, ओके। तो जी की वैल्यू तुमने पढ़ा है कि क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर समझाता हूं मैं, जो जी की वैल्यू होती है तुमको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तुमको भी याद होना चाहिए।
ओके मास क्या होता है अर्थ का, पूरे अर्थ का, पूरी ये दुनिया का मास। आप बोलेंगे ये क्या, तुम फील ही नहीं कर पाओगे, पता है वो कितना बड़ा मास है, कितना बड़ा नंबर है, वो फील नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, मैं क्यों करा रहा तुमको फील। 6 × 10^24 kg। अब बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, 6 किलो का तो है, 6 किलो के अर्थ में तुम्हारा पप्पा बैठेगा। चलो ये बात आती है यहां पे, मास ऑफ अर्थ कितना, 6 × 10^24। पावर का मतलब थोड़ा कभी कभी कम फील करते होगे, तो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव 24 है ना, मतलब 6 के बाद में 24 जीरो लगेगा, और उसको पढ़ लो क्या पढ़ सकते हो, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। 6 के बाद 24, क्योंकि वो उसमें इतने नंबर कम पड़ जाएंगे हमको, इतना मैथ्स हमारा, मतलब ये डेली लाइफ के मैथ्स हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको पावर के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं इसको। चलो अब रेडियस भी बता देता हूं, ये अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता पता है, सुनोगे तो ठीक है समझ जाओ, हाँ याद कर लो, रट्टा मारेंगे सर, उसको फील नहीं कर पाओगे, मतलब उसको महसूस नहीं कर पाओगे उस रेडियस को। ये रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, और डिस्टेंस हमेशा हमको मीटर में रखना होता है, तो तुमको पता है 6400 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में हमेशा। देखो मास है तो केजी में रखना, टाइम है तो सेकंड में रखना, डिस्टेंस है तो मीटर में रखना, तो ये तो किलोमीटर है, तो 6400। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 आता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10^3। अब ये बन गया मीटर, तो देखो दो जीरो तो पहले से, दो जीरो भी ले लो, तो 64 × 10^5 meter। देखो ये 10 का पावर जो होता है ना, 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे वो होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आता तो अलग से सीखना मुझसे, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखो दो जीरो इधर था, 3 पहले से इधर था, 3 × 2 = 5 हो गया, लिख दिया मैंने सिंपली। अब इसको रख के कैलकुलेट करोगे ना जब जी की वैल्यू, तो तुम्हारी वैल्यू जो आएगी 6.67 × 10^-11 × मास को क्या लिखेंगे, 6 × 24। आर का क्या है, 64 × 10^5 का स्क्वायर। इसको घर पे करो बैठ के आराम से, क्या करना, लॉकडाउन है एकदम फ्री हो, मोबाइल और टीवी में टाइम पास करने से अच्छा पढ़ाई कर लो थोड़ा। ओके अभी कैलकुलेशन करना और देखना, तुम्हारे बुक में दिया है 9.77 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आती है, एक्सेलरेशन है इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कोई पूछे तो ऐसा पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बन गया जी। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ के लिए पता है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा उसके लिए नहीं अभी बता रहे, यहां पर होगा तो जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9.8। अब तुम पहुंचे कहां पर, जहां पर तुम बचपन में थे, बचपन में यही थे ना सर, क्या होता है ग्रेविटी के बारे में क्या पता, सर जी की वैल्यू 9.8 होती है बस, और क्या पता है, ठीक है। तो अब तुम पहुंच गए हो अपने बचपन में, अब यहां पे अब तुमको समझ में आएगा कि जी की वैल्यू 9.8 क्यों लेते और सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्यों लेते, छोटा बड़ा सभी ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, हम अर्थ से ही रिलेटेड में है ना, मतलब अर्थ के रिलेशन में ही ले रहे हैं ना। तो देखो मास आ गया, क्लियर है, चलो अच्छे से नोट कर लो इसको, ये कैलकुलेशन जरूर करना है, तुम्हारा होमवर्क समझो, ठीक है, चलो फटाफट करो। मैं इसको कितने टाइप में, 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा, वेरिएशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। एक तो चेक करूंगा कि जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते हैं हम लोग, अर्थ से ऊपर जाएंगे, सरफेस से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी में कितना चेंजेस होगा वो बात करूंगा मैं यहाँ पर। दूसरा ये बात करने वाला हूं कि अर्थ सरफेस पर ही, जैसे यहां पर हो अर्थ सरफेस पे, अर्थ का टॉप सरफेस है तो अर्थ सरफेस पे इस जगह जाते हो, राइट, अर्थ सरफेस से किसी और जगह जाते हो या सरफेस पर ही रहोगे लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ का शेप देख रहे हो तुम, अर्थ का शेप कैसा है, ऐसा बल्ज है, देख रहे हो ना, बल्ज शेप है, बल्ज शेप मतलब एकदम बॉल जैसा नहीं है, वो थोड़ा चपटा है बीच में से, ऐसे इक्वेटर। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है पोल साइड साइड में देखो इक्वेटर होता है। अब इसके बाद में तुमको ये सीखना कि इक्वेटर पे हुआ तो ग्रेविटी कितनी, और उसके साथ ही साथ ये भी देखना है
कि पोल पर हुआ तो ग्रेविटी क्या होगी, अब और उसके अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, समझ गए। तो ये तीनों चीजें तुमको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है अच्छे से, तीनों चीजों को तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, वहां पर देखते रहो, थोड़ा कलरफुल डायग्राम है तो तुमको हेल्प मिलेगी और अच्छा भी लगेगा पढ़ने। मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि देखो मेरा अच्छा ये वाला अच्छा, ओके। तो देखो ये सेंटर हो गया, अभी देखो बल्ज तो बनाया नहीं मैंने, पहले ही गलत हो गया, अच्छा थोड़ा सा बना देता हूँ बल्ज, मतलब इतना भी चपका कर दूंगा सब इधर का उधर समुद्र इधर उधर हो जाएगी भाई। ओके चलो ऐसा मान लेते, चलो एकदम रग्बी बॉल जैसा, तो अर्थ एक्सिस ऑफ अर्थ ये होता है जैसा देख सकते हो उस डायग्राम में भी, एक्सिस ऑफ अर्थ हो गया, और ये होता है उसका इक्वेटर, मतलब जो मिडल सरफेस होती है, अगर अर्थ को ऐसे नीचे से शेप जैसे कट करे एक वजह से, तो उसमें जो साइज निकलेगा वो इक्वेटर होगा, ये इक्वेटर हो गया। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसको पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है एनपी, और ये क्या है एसपी, ओके। तो ये इक्वेटर है, अब समझो बात को। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं वेरिएशन ऑफ जी विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, विद सरफेस मतलब सरफेस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे जी चेंज होता है, क्या यस चेंज होता है। तुम देख सकते हो यहां पर जो सेंटर से डिस्टेंस है इसका कम होता है, देखने में ही पता चल जा रहा है यहाँ पे रेडियस कम है और यहाँ पे ज्यादा, तो जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे ग्रेविटी कम। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, और पोल पर जो जी की वैल्यू होती है ज्यादा होती है। एरो से तुम समझ सकते हो, एरो ऊपर अच्छे से उसको कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हो अपना वाला चाहते हो पढ़ लो है। ओके ये चीज तो बहुत ही क्लियर हो, बहुत यही तो बताना है। अब मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे इक्वेटर पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है ग्रेविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस राइट ऐसे। अब यहां से इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर से क्या होगी इंक्रीज होगी, समझ रहे हो आपको, हाँ देखो यहां से ये डिक्रीज होगी, यहां से क्या होगी इंक्रीज होगी। ओके अब वही चीज इस साइड भी ले लो, अब ये तो समझ गए होगे। अब दूसरी बात समझो, जैसे अगर हाइट पे जाते ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सीधा नहीं होता वैसे सरफेस ऑफ अर्थ, तुमको लगता होगा ये अर्थ है, हाइट पे जाओगे तो तुम, मैं पहले ही बता चुका हूं ग्रेविटी कम होती क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होगा, बहुत ही क्लियर है। दो चीजें तो सीख गए, इसको क्या बोलेंगे विथ हाइट, ये सेकेंड केस था विथ हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। अब एक बच गया अपना, उसको फिर से ड्रॉ करता हूं, ये डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। देखो ये सरफेस ऑफ अर्थ यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है और सेंटर की तरफ जाना है विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहां पे लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, मतलब जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी में क्या चेंजेस आता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे वहां भी डिक्रीज होता है, जी डिक्रीजेस, जी क्या होता है डिक्रीज होता है, बहुत ही सिंपल है। क्यू देखो जब भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुमको डाउट आएगा डिक्रीज क्यों होता है, जब दूर जा रहे थे कम हो रहा था, सेंटर के पास आया तो ज्यादा होना चाहिए ना, नहीं होएगा भाई। सुनो अगर तुम इसके अंदर घुस गए यहाँ पर आ गए तो ये ऊपर का मास एक्ट नहीं करेगा, उसका मास जो सर्कल है वो भी कम होता जाएगा, और जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे उस समय सर्कल बचेगा ही नहीं, मास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फॉर्मूले से भी ये चीज होती है, लेवल सेंटर में सीखोगे, लेकिन अभी तक के लिए यही समझ लो, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो उसके ऊपर सब कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का मास नहीं कंसिडर होता अर्थ का, उसके नीचे का मास कंसिडर होता है। तो ये मैंने बताया ना, यहाँ पे आएगा तो और सर्कल छोटा हो जाएगा, सेंटर पे गया तो सर्कल गायब हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि अब ये क्यूँकी तो बाय साइड
जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ मास कम होता जाएगा, उसकी वजह से उसकी वैल्यू जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। क्लियर है? ओके वेरी गुड। तो तीन टाइप के वेरिएशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस पे अलग अलग जगह ग्रेविटी अलग अलग होती है, मतलब अट्रैक्शन अलग अलग होती है। इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। क्यों इक्वेटर पे कम होता है? क्योंकि अर्थ का से एक बल्ज हो गया है जिसकी वजह से उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है इक्वेटर का सेंटर से, उस वहां पे ग्रेविटी कम हो गई। जिसका डिस्टेंस कम हो गया है पोल का, वहां पे क्या हो गया? ग्रेविटी ज्यादा हो गई। बहुत ही अच्छा समझने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं सीख रहे तुम, क्लियर कर लो अच्छे से। ओके सोचना, कोई डाउट आता मुझे व्हाट्सएप करो बिंदास, मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर देता हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में फ्री फॉल, नहीं मास एंड वेट, मास एंड वेट। कभी किया हो मास, कभी मेजर किया हो? अरे भाई मेजर किया, मुझे पता है जो हम अपना वजन मेजर करते हैं ना, एक्चुअली वो हम अपना मास मेजर करते हैं। हम अपना वजन मेजर करते हैं मतलब हम अपना मास मेजर कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितना मसल से, कितना चर्बी, कितना बोन्स, यही सब तो मेजर करते हैं हम लोग। मतलब एक बॉडी के अंदर कंटेंट कितना होता है, मैटर कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है मास। तो दिस इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी, मैटर इनसाइड द बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और वेट क्या होगा भाई? वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ अपनी तरफ कितने फोर्स से हमको अट्रैक्ट करती है वो होता है वेट। ओके सो इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से, इसको डिनोट करते हैं मास से। तो वेट क्या हो गया यहां पे मैं बोल सकता हूं, वेट इज अ फोर्स, इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द बॉडी, एक्सर्टेड ऑन द बॉडी By the earth, by the earth, मतलब earth कितने force से body को नीचे खींचती है वही होता है उसका weight। तो इसका formula तो होगा ना weight का, कुछ weight का formula होता है mass into gravity, मतलब यही वाला mass उसमें सिर्फ g की value multiply कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना force लग रहा है हमारे ऊपर। okay? और ये क्या होता है? ये मास को फोर्स। और इस सिचुएशन को हम लोग फ्री फॉल का नाम देते हैं। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ विद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देन इट इज नोन एज फ्री फॉल। Then this motion is known as free fall. अब बोलोगे सर एरोप्लेन का फ्री फॉल मोशन होता है क्या जब लैंड करती है एरोप्लेन? नहीं होता है, क्योंकि एरोप्लेन वेल कंट्रोल्ड होती है, उस पर इंजन का भी फोर्स अप्लाई होते रहता है, राइट? जब लैंड करती है तो कंप्लीट कंट्रोल में होती पायलट के, उसको ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ दिया जाने दो, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेगी। अरे अट्रैक्ट करेगी मानता हूं, लेकिन सर्फेस पे जब कोलाइड होगी तो उसके बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी होगा। तो इसीलिए उसको कंट्रोल रखते हैं, वो जहां चाहे वहां उसको वैसे उस टाइप से घुमा सकते हैं। तुम जानते हो फ्री फॉल जो होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता है, तुमको पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे आने तक वो कंट्रोल नहीं होता है। तो फ्री फॉल मोशन कब होता है? जब उस पर ओन वन एंड ओनली वन फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उस अर्थ की ग्रेविटी अट्रैक्ट करके दूसरा कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई इंजन, कोई दबाव, ये सब कोई कुछ कंसिडर नहीं करना है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल। समझ गए? चलो इसके कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज भी साथ में कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, यहां से यहां पर आया सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कितना कवर किया हाइट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट, ये तो हो गया क्लियर। यहां पे वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि रुका नहीं तो नीचे आया कैसे, तो समझ जाओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि यू क्या होता है, नहीं बताया तो आप बता रहा ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो मीटर पर सेकेंड।
मतलब रुकेगा तब तो नीचे गिरेगा, और यहां पे वेलोसिटी होती है v मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लिया इसके लिए, टाइम t लिया, और एक्सीलरेशन कितना हुआ इसके बीच में, एक्सीलरेशन हुआ a। तो ये सब चीजें एक ही मोशन के अंदर दिख रही हमको। तो तुमको पता होगा न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन न्यूटन का ही है, लेकिन उसको नाम थोड़ा अलग है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। यहाँ पे तुम जानते हो एक्सीलरेशन को हम लोग हमेशा जी लेते, फ्री फॉल में क्या लेना है तुमको, फ्री फॉल में एक्सीलरेशन को जी लेना है, स्मॉल जी, ऐसे तुम्हारे दिमाग में सेट कर लो। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्सीलरेशन होती है। तो अब देखो ये तो जीरो था, u की वैल्यू क्या है, जीरो है, प्लस a क्या है, g है, और ये क्या है, t है। अब ये v, तो एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, v इज इक्वल टू g इनटू t। अगर तुमको बोला जाए कोई एक बॉल को नीचे गिरा रहे और उसकी टाइम लगता है, तो तुम टाइम तो पता है g की वैल्यू 9.8 होती है, मल्टीप्लाई करो और v फाइंड कर लो। ओके, और एक फॉर्मूला बनाता हूं, कैसे, एक फॉर्मूला दूसरा देखो, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन से क्या आता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तुमको पता है s क्या है, यहाँ पे h है, u क्या है, जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है जीरो होता है, और हाफ a, a मतलब g, और t स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हमारे लिए है। तुम्हारे बुक में ये तीनों फॉर्मूला डायरेक्टली दिए, कैसे आया वो नहीं पता, डायरेक्ट दे दिया है तो मैं बता रहा हूँ कैसे आया। एक थर्ड फॉर्मूला और बना लेता हूं, एक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v स्क्वायर, u तो जीरो ही है तुमको पता है, तो उसका स्क्वायर भी तो जीरो होगा ना, यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है, g के बराबर है, जी एस। तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू ए स्क्वायर निकालोगे दूसरे साइड में रूट आ जाएगा 2gs। ये देखो ये तीन फॉर्मूले फ्री फॉल के फॉर्मूले हैं, ऐसे तुम्हारे न्यूमेरिकल है, तुम्हारे टेक्निक में एक्सरसाइज में है, इसको अवॉइड मत करना इसको। तो फ्री फॉल क्या होता है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है हाइट है, और जो एक्सीलरेशन होता है यहाँ पे जी के बराबर है, और टाइम लगा टी, और फाइनल वेलोसिटी वी। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस चैप्टर करेंगे, मतलब एक दो क्लास में न्यूमेरिकल के साथ इसको कंप्लीट कर दूंगा। और एक एक्स्ट्रा सेशन लेना सोच रहा हूं मैं, कि तुमको इसके जो इंटरेस्टिंग वो ब्लू बॉक्स और हेडलाइन दिया रहता है उसमें, वो सब मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो इसको, रिवाइज करो, कोई डाउट आएगा आएगा ही मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुमको कॉल करके या चाहे जैसे मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।